हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग 10th क्लास में मैथ्स का जर्नी शुरू करेंगे और आपको जो कैलेंडर है वो मिल गया होगा। तो आज मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। यहीं से हम अपना जर्नी शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों में से इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा, फिर भी हम लोग इसे देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है तीन, थ्री, गोनो मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री यानी थ्री साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइड को अगर हम नापेंगे, तीन साइड पे हमारी बातें अगर होंगी तो हम पढ़ रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, पर तीन साइड होते कहाँ हैं? तीन साइड होते हैं ट्रायंगल्स में। तीन साइड ट्रायंगल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो पढ़ाई है वो ट्रायंगल्स के लिए बनाया गया था। आजकल तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग हर जगह लगाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के बिना किसी भी चीज़ को पढ़ना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन जब ये बना था, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो ट्रायंगल के लिए हुआ था, और किसी ऐसे वैसे ट्रायंगल के लिए नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हमें मिलता है वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ PQR। अब क्योंकि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल्स होते हैं जो कि निश्चित तौर पे होंगे, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इसमें बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है। और मैं ज़्यादातर पहले क्लास में किसी से पूछता हूँ, उनका भोला भाला से आंसर होता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, जो कि कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। सही कंसेप्ट ये है कि हम बेस कभी ऐसे बता ही नहीं सकते। बेस का मतलब होता है आधार, जिस पे कोई चीज़ टिका हुआ हो। मैं मानता हूँ कि अभी इस फिगर में ये ट्रायंगल इस पे टिका हुआ है, पर मैं इसे इस पे भी तो टिका सकता हूँ। तो बेस तो ये हो गया, बेस ये भी हो गया, ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन बेस है? तो हम यहाँ देखेंगे एंगल। ये पता चलेगा एंगल के हिसाब से। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इस फाई एंगल की बात करूँ, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, इनका भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। तो ये फाई, PHI फाई है, और फाई एंगल को के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस पे एंगल टिका हुआ होता है यानी एंगल का जो आधार होता है उसे हम बेस कहते हैं। और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच जो सबसे छोटा दूरी होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबे साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ एंगल लेना इसलिए ज़रूरी है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसे हम बेस कहते हैं, और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखिए, अगर मैंने फाई के लिए बात करी तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। लेकिन सोचिए अगर मैं इस थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, तो अब ये थीटा इस साइड पर नहीं टिका हुआ है, QR पे नहीं टिका हुआ, ये PQ पे टिका हुआ है। तो इस थीटा के लिए ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता और हाइपोटेन्यूज तब भी यही रहता, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड अब भी यही है। तो जब हम ये बहुत, इस पर एक पूरा चैप्टर निर्भर होगा आगे चल के, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन अभी के लिए हम इतना जान लें कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल जिस पे टिका हुआ होता है उसे हम बेस कहते हैं, और बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच यानी कि जो बच गया, ठीक है, सीधी सी बात है कि जो बच गया उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये बातें हमें ध्यान रखनी होंगी तब हम जा करके इस चीज़ को समझ पाएंगे।
इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री बना कैसे? ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने देखा होगा और कोई खेल रहा होगा तीनों साइड से और उसने ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण कर दिया। पर आज के डेट में इससे इस खेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप अगर किसी ऊंचे बिल्डिंग का हाइट नापना चाहते हैं तो अगर पहले के ज़माने में हम ट्रिगो यूज़ ना करें या पहले के ज़माने में हम ये करेंगे कि हम एक टेप लेंगे 1 मीटर 2 मीटर का और चढ़ जाएंगे, या किसी को रस्सी दे देंगे और बोलेंगे चढ़ो भाई और रस्सी नाप रहे हैं और उसमें दुनिया भर की दिक्कतें आएंगी। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के मदद से अगर हम चलें तो हम बस बिल्डिंग को देखेंगे, हम एंगल नापेंगे और हम बड़ी आराम से उसका हाइट बता सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाई बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातें हमें 10th में ही पढ़नी है। ये सारा हम स्पीड नाप सकेंगे, हम वेलोसिटी नाप सकेंगे, हम डिस्टेंस नाप सकेंगे, हम ये सारी चीज़ें नाप सकेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री के ही मदद से, 10th क्लास में ही। आपके सिलेबस का हिस्सा है वो। तो इसमें अगर हम देखें तो ये ट्रिगोनोमेट्री बना कैसे, तो लोगों ने देखा ये कि अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, ठीक है, अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए, ठीक है, अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कोई कारण से 30 डिग्री है, और मैं सही डाटा ले रहा हूँ ताकि आप अगर इस पर भी दिमाग लगाएं, आपको कुछ याद भी रह जाए तो सही चीज़ें याद रहें। तो ये एंगल मान लीजिए मेरा 30 डिग्री है, मैंने इस साइड को नापा, देखा कि 5 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, और इस साइड को नापा तो मुझे मिला कि 10 सेंटीमीटर। मैंने ऐसा नाप के देखा, ये मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करा है, मैंने बस एक स्केल लिया है और नाप करके देखा है ये 5 है और ये 10 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने देखा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे छोटा कर दिया, मैंने इसे नाप के देखा, मैंने देखा ये 2 सेंटीमीटर है, बोले ठीक है। फिर मैंने इसे नाप के देखा, देखा 4 सेंटीमीटर, बोले अच्छा भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ आ गया, मैंने देखा ये 4 सेंटीमीटर है, अब आप गेस करिए, तो ये 4 है और मैंने जब इसे नापा तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो नाप के देखा तो देखा कि 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो ये 8 है। तो आप सोचिए कि इस 30 डिग्री के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना, ये तो बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो परपेंडिकुलर का दुगना है हमेशा हाइपोटेन्यूज। मैं अगर इस 30 डिग्री एंगल के लिए बात करूँ तो इस परपेंडिकुलर का दुगना है हाइपोटेन्यूज, ऐसा हमेशा है, परपेंडिकुलर का हमेशा दुगना है। अगर मैं इस 30 डिग्री के लिए बात करूं तो ये परपेंडिकुलर का हमेशा दुगना है। फिर देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एंगल को 30 डिग्री रखूँ, अगर मैं एंगल को 30 डिग्री रखूँ तो जो परपेंडिकुलर होगा उसका हमेशा दुगना होगा हाइपोटेन्यूज। अब आप सोचिए, मान लीजिए मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने जो धागा लिया है वो 200 मीटर लंबा लिया है, ठीक है, और मैं समझ रहा हूँ कि पतंग मेरा लगभग सीधा है और मैं जानना चाहता हूँ कि पतंग मेरा कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है। मैंने एंगल नापा, एंगल देखा 30 डिग्री है, मैंने पतंग के धागे का एंगल देखा और एंगल देखा कि 30 डिग्री है, और पतंग मेरा 200 मीटर लंबा है, तो सोचिए पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ा होगा, 100 मीटर, क्योंकि ये तो दुगना होता है। परपेंडिकुलर के मुकाबले जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दुगना होता है, तो हाइपोटेन्यूज के मुकाबले परपेंडिकुलर आधा होता है। तो अगर मेरा पतंग का जो धागा है वो हाइपोटेन्यूज जैसा काम कर रहा है तो वो 200 है, तो जो पतंग की ऊंचाई वो तो 100 हो गई ना, और फिर मैं चाहूँ तो उसमें अपनी बिल्डिंग की ऊंचाई जोड़ लूँ जो कि बहुत आसानी से कैलकुलेटेबल है, तो वो भी मैं जोड़ दूंगा तो एग्जैक्ट हाइट मिल जाएगा। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री काम करता है। तो हुआ क्या, आपने जो दुगना तिगुना किया ये था क्या, ये एक तरह का रेशियो था, ये एक तरह का रेशियो था, और ट्रिगोनोमेट्री यही करता है। ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस बना लेता है और उसका पढ़ाई करता है। ट्रिगोनोमेट्री सारे साइड्स का रेशियो बना लेता है, रेशियो को कैलकुलेट कर लेता है और उसके मदद से सारी चीज़ों का पढ़ाई कर देता है। तो देखिए, अगर हम रेशियो बनाने भी निकलें
क्योंकि हम समझ गए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं, हम बस रेशियो का ही कैलकुलेशन करते हैं, रेशियो के से ही पढ़ते हैं। तो हम अगर रेशियो बनाने निकले तो हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे रेशियो बन सकता है। तो हम देखते हैं कि पहले हमारे पास साइड्स कितने हैं। तो साइड्स अगर हम देखें तो तीन साइड्स है, पी, बी और एच। एक साइड हमारा P है परपेंडिकुलर, एक साइड हमारा B है बेस है, और एक साइड पर हमारा हाइपोटेन्यूस है H है। ठीक है, तीन साइड्स हैं, पर हमें तो रेशियो बनाना है। तीन का तो रेशियो बनता नहीं, रेशियो जब भी बनता है दो का बनता है। तो मैं या तो P और B का रेशियो बना सकता हूँ, मैं या तो P और B का रेशियो बना सकता हूँ, या मैं ऐसा कह देता हूँ कि P और H का रेशियो बना सकता हूँ। मैं या तो P और H का रेशियो बना सकता हूँ, मैं या तो B और H का रेशियो बना सकता हूँ, मैं या तो P और B का रेशियो बना सकता हूँ। ठीक है, मैं या तो P और H का रेशियो बना सकता हूँ, मैं या तो B और H का रेशियो बना सकता हूँ, मैं या तो P और B का रेशियो बना सकता हूँ। आपको आश्चर्य होता होगा कि छः ही रेशियो क्यों हैं। तो छः रेशियो क्यों हैं हम ये जानने जा रहे हैं। हम लोग हर चीज़ का क्यों में जरूर जाएंगे, क्योंकि उसी से हमारे दिमाग का विकास होगा, उसी से हमें पता चलेगा कि हम भी कुछ क्यों ढूंढ सकें अपने जीवन में। तो P और H का रेशियो बनाना है, B और H का रेशियो बन सकता है, P और H का रेशियो बन सकता है, और P और B का। अगर मैं P और H का रेशियो बनाऊं तो लिख सकता हूं P बाई एच, नहीं तो H बाई पी। या तो P बाई एच लिख सकता हूं या H बाई पी लिख सकता हूं, जाहिर सी बात है। अगर मैं B और H का रेशियो बनाऊं तो या तो मैं B बाई एच लिख सकता हूं या H बाई बी लिख सकता हूं। और अगर मैं P बाई बी का रेशियो बनाऊं, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल बात अब नहीं रहने वाली, P और B का रेशियो बन सकता है या B बाई पी का रेशियो बन सकता है। तो यही छः रेशियो पॉसिबल है, कोई सातवां रेशियो पॉसिबल नहीं है। हम जैसे जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आगे चलेंगे हम देखेंगे कि ये छः रेशियो भी ज़रूरी नहीं है, कोई दो से काम चल जाएगा। और जब एकदम पारंगत हो जाएंगे, जब हम इसमें बहुत बड़ी मास्टरी हासिल कर चुके होंगे, तो हम एक में ही खेल लेंगे, हमें एक पता होगा और छइयों के बारे में हम अंदाज़ा लगा चुके होंगे। फिर तो ये सारी छः रेशियोज हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत की नहीं रह जाएंगी, कोई एक हम जान लेंगे और बाकी सारा कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि है तो ये ट्रायंगल का हिस्सा, क्योंकि ये तो इसे बाइंड करके रखा हुआ है। तो P बाई H का जो रेशियो है, ठीक है, P और H को अगर हम डिवाइड करें तो इसे कहा गया, इसे नाम दिया गया, जिन लोगों ने इन्हें खोजा उन्होंने इनका इसका नाम दिया साइन ऑफ थीटा। आप जानते हैं कि ये थीटा बहुत ज़रूरी है, ये थीटा अगर नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि P कौन है, H कौन है। तो ये थीटा ज़रूरी है और ये इस रेशियो का नाम है। क्या नाम है, किसका नाम है? ये नाम है साइन कि आपने P और H को डिवाइड करा है। आपने H और P को डिवाइड नहीं करा, उसका अलग नाम होगा। आपने P और H को डिवाइड करा है, इसके लिए नाम हमने रखा है साइन थीटा। लेकिन हम इसे शॉर्टकट मारेंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ये हो गया है साइन थीटा। अगर हमने B बाई H को डिवाइड किया तो इसका भी कुछ नाम रखा गया को साइन ऑफ थीटा, और शॉर्टकट में बोला जाता है कॉस थीटा। B बाई H को हम कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। P बाई बी को जो नाम दिया गया, P बाई बी का जो नाम दिया गया, ठीक है, उसको कहते हैं टेन जेंट ऑफ थीटा। ये सब रेशियोज है, नाम है, ठीक है। जैसे हम लोग के इंडिया में अगर ये खोज रहा होता तो सिंपल नाम हम लोग दे देते, है ना, राजू ऑफ थीटा, बिट्टू ऑफ थीटा, ऐसे करके कुछ नाम दे देते। लेकिन हम लोग ये ग्रीक में खोज हुआ है तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखा है, ठीक है। तो पी बाई बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। बी बाई पी को टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। एच बाई बी को बोलते हैं सेकेंड ऑफ थीटा, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। एच बाई पी को बोलते हैं को सेकेंड ऑफ थीटा, और शॉर्ट में बोलेंगे कॉसेक थीटा। और मैं जो ऑर्डर आपको बता रहा हूँ आप लगभग इसी ऑर्डर में याद रखें, और फिर हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो चलिए एक बार और देखते हैं, क्योंकि ये बातें हमें याद होनी चाहिए, ये बातें ऐसी होनी चाहिए कि कोई अगर हमसे कभी भी पूछे, रास्ता में चलते हुए भी पूछे, तो हम रुक करके ऐसा ना हो कि हम कैलकुलेट करें कि अच्छा पहले साइन फिर कॉस फिर ये, नहीं, हम तुरंत बता सकें। कि वो अचानक से कॉट के बारे में पूछे तो हम तुरंत बोल सकें कि बी वाई पी होता है। अगर वो हमसे अचानक सेक के बारे में पूछे तो हम तुरंत बोल सकें कि एच वाई बी होता है। तो जो भी वो हमसे पूछे हम एग्जैक्टली बता सकें, हमें इस कदर याद होना चाहिए, इस तरह से याद होना चाहिए। चलिए ठीक है,
तो याद तो हो जाएगी बात, और याद कैसे होगी, हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू याद करेंगे, ना कि रट के याद करेंगे जैसे हम बचपन में स्पेलिंग वगैरह याद क्या करते थे। हम ऐसे याद नहीं करेंगे, हम इसे प्रैक्टिस के थ्रू याद करेंगे, हम इतना इसे बना देंगे, इतना सॉल्व कर देंगे कि याद नहीं कैसे रहेगा, फिर याद नहीं रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, इतना इससे गुजर जाएंगे। खैर देखिए, तो P by H sin theta, B by H cosine theta, cos theta, P by B tangent of theta, tan theta। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि H by B is equal to sec theta, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और बेस को डिवाइड करा है, हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो लिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ही पढ़ाई करता है, हाइपोटेन्यूस और बेस का अगर आपने रेशियो लिया है, तो आपको ये कहना होगा कि उसका नाम है सेक थीटा। थीटा यहाँ देना जरूरी है। अगर इस सेक थीटा को हम लोग यहाँ से लिखें, ठीक है, नाम दे करके लिखें पी क्यू आर के रेस्पेक्ट में, तो देखिए सेक थीटा का नाम होगा, होता है एच बाई बी। तो इस ट्रायंगल में एच ये है और इस थीटा के लिए बी ये है, तो हो जाएगा पी आर बाई, पी आर क्या है हाइपोटेन्यूस, और बाई बेस क्या है पी क्यू। अब पी पी काट मत दीजिएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सेक फाई का, ठीक है, सेक फाई का, तो सेक फाई की अगर हम बात करें, तो इसी के लिए अगर सेक लिखना चाहें, सेक फाई लिखना चाहें, तो ये बदल जाएगा, इसी ट्रायंगल में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा पी आर बाई फाई के लिए बेस तो क्यू आर हो गया ना, तो क्यू आर। देखिए एक ही ट्रायंगल में अलग अलग एंगल के लिए अगर हम लिखते हैं रेशियो, तो वो अलग अलग हो जाता है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा रेशियो। देखिए नाम में दो पार्ट्स है ना, नाम में एक हमने लिखा सेक, इससे ये पता चला कि हाइपोटेन्यूस और बेस को डिवाइड करना है। फिर हमने नाम में लिखा थीटा, इससे हमें ये पता चला कि हमें किस को, कौन सा एंगल के लिए ये काम करना है। तो जब भी हम नाम लिखते हैं, जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो का नाम लिखते हैं, उसमें एक तो नाम आता है और दूसरे में एंगल आता है, और ये दोनों बातें ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, नाम छोड़ देते हैं, एंगल छोड़ देते हैं, सेक बस लिख देते हैं, भाई पता कैसे चलेगा किस एंगल की बात कर रहे हो, है कि नहीं। तो सेक आपको नाम भी लिखना है और एंगल भी लिखना है। जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ सेक पी, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ, सेक आर तो इस एंगल की बात करो, और सेक क्यू की भी बात कर सकते हैं, पर आमतौर पर राइट एंगल ट्रायंगल में हम 90 डिग्री वाली बात नहीं करते हैं। हम 90 डिग्री की बात भी करेंगे तो या तो इसको 90 करेंगे या इसको 90 करेंगे, हम 90 इन दोनों एंगल्स को लेंगे, ना कि इस एंगल को। ये एंगल अपना फिक्स है, वही तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और वही ट्रिग्नोमेट्री लगवाने में हमारी मदद कर रहा है, तो इस एंगल की बात हम नहीं करते हैं। हालांकि 90 डिग्री की बात हम करेंगे, हम राइट एंगल की बात करेंगे, पर इस वाले राइट एंगल की बात नहीं करेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो ये ऐसे आप समझें कि जो ट्रिगोनोमेट्री का ब्रांच है, उसमें हम लोग पहले तो हाइपोटेन्यूस बेस वगैरह की अच्छी सी जानकारी हमें होनी चाहिए, जो कि क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, जो उसका जो एंगल का आधार है वो बेस है, और जो बच गया, जो रह गया, हमने हाइपोटेन्यूस सबसे पहले ढूंढ लेंगे, हमने हाइपोटेन्यूस सबसे पहले ढूंढ लिया, फिर हमने बेस देख लिया एंगल देख करके, और जो बच गया उसे परपेंडिकुलर कह दिया, तो ये हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर के कंसेप्ट हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हम एंगल को सेम रखें तो रेशियो कभी बदलता नहीं है, तो हमने रेशियो निकाला। रेशियो तीन तरीके से निकल सकता था और तीन तरीके से छः रेशियो निकल सकते थे, कोई सातवां रेशियो पॉसिबल नहीं था। हमने सबका नाम दिया, जब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को डिवाइड किया तो हमने नाम दिया साइन थीटा, जब हमने बेस और हाइपोटेन्यूस को डिवाइड किया तो हमने नाम दिया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर और बेस के लिए नाम दिया टेन थीटा, बेस और परपेंडिकुलर के लिए नाम दिया कॉट थीटा, और हाइपोटेन्यूस और बेस के लिए नाम दिया सेक थीटा, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के लिए नाम दिया कॉसेक थीटा। तो ये सारे नाम हमें क्लियर होने चाहिए और ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए इस पे कुछ और कंसेप्चुअल बातें करते हैं और आगे इसको समझते हैं। तो मैंने इसे इरेज नहीं करा है क्योंकि आज हम इसका बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि हमें याद हो जाए, और कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसे आपको बना लेने हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। याद रखिएगा पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
ये चैप्टर अपने आप में इतना सिंपल है, ये चैप्टर में कोई ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपको इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये रेशियोस याद नहीं रहेंगे, आप फिर लड़खड़ा के बोलेंगे। लड़खड़ाना नहीं है, ये आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए ये छह रेशियो, और हम लोग इसे रट के याद नहीं करेंगे, हम इतना सॉल्व करेंगे कि हमें याद हो जानी चाहिए। तो इसके जो 5-7 क्वेश्चन है आप बनाएं, आपको अगर एक ही क्वेश्चन में याद हो गया तो आप फिर छोड़ दें, इस चैप्टर को बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन फिर हम लोग केवल बनाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, इसमें धीरे धीरे हम लोग बात करते रहेंगे आगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे दिया गया, ठीक है, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इस एंगल की बात करी गई थीटा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें इस एंगल की बात करी गई थीटा की, ठीक है, और इस थीटा में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एक नाम दे देते हैं इसे ए बी सी हमने नाम दे दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल है थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है कुछ भी नाम आप उसका दे सकते हैं उस एंगल का भी, और बोला गया कि ये साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड है 4 सेंटीमीटर, बोला बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल ले। हमने सोचा कि चलो ठीक है निकालना, अब क्या करें, चलो बढ़ते हैं। तो ये देखिए 3 है, ये देखिए 4 है, और ये हमें कैलकुलेट करना होगा क्योंकि एच की भी ज़रूरत पड़ती है, पहला रेशियो में ही एच का ज़रूरत पड़ जाता है। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज है तो हम जानते हैं एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा इलाबरेट करके नहीं बता रहा, पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे कैलकुलेट करें खुद से। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना हो गया 5, यानी h इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। बड़ी आसान कैलकुलेशन है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो h इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग कैलकुलेट करें, तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, तो हम इस एंगल का पी निकालें 4 और एच निकालें 5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। और ऐसा नहीं कि हाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी अगर लिखेंगे तो वो कट जाएगा, तो रेशियो प्योर रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, तो रेशियो है 4/5। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो वो होता है बी बाई एच, तो इसके लिए बी ये है, बेस ये है, एच ये है, तो हो जाएगा 3/5। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, तो पी इस एंगल के लिए पी ये है, बी ये है, तो हो जाएगा 4/3। अगर हम कॉट थीटा की बात करें, ठीक है, कॉट थीटा की बात करें तो होता है बी बाई पी, यानी 3/4। अगर हम सेक थीटा की बात करें तो होता है एच बाई बी, देखिए सेक थीटा यहाँ से एच बाई बी, तो एच है 5 और बी है 3, तो हो गया 5/3। सेंटीमीटर सेंटीमीटर वो कट जाएगा इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा, ठीक है, हालांकि एग्जाम्स में आप ज़रूर लिखें, वी नो दैट। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, तो ये हो जाएगा 5/4। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ देखना था इसमें, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, बस देखना था, और हमने ये बनाया। हमने इसे क्यों बनाया, क्योंकि इसे बनाते बनाते भी हम कुछ सीखे, क्या सीखे आप देखिए, जब मैं टेन से कॉट लिख रहा था तो आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि अरे ये तो उल्टा हो रहा है, फिर देखिए कॉस का उल्टा सेक हो रहा है, साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, साइन पी बाई एच है, कॉसेक एच बाई पी है, क्या मुझे अगर साइन थीटा पता चल गया तो क्या कॉसेक उसी वक्त नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि उल्टा पुल्टा ही तो करना है कि नहीं। तो अगर हम जिस वक्त साइन जान लिए उस समय हम कॉसेक भी जान चुके होंगे, क्योंकि बस उल्टा पुल्टा का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सोचिए उसी तरह अगर जिस समय हम कॉस जान चुके हैं बी बाई एच, तो उस समय हम सेक भी जान चुके हैं क्योंकि वो एच बाई बी होता है, तो बड़ी आराम से उल्टा पुल्टा कर लेंगे। और जिस समय हम टैन जान लिए, जिस समय हमें टैन के बारे में पता चल गया कि हाँ टैन इतना है रेशियो, तो हम उस समय कॉट भी जान चुके होंगे, बस उल्टा करने की बात होगी। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे को उल्टा, एक दूसरे के उल्टा पुल्टा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं,
रेसिप्रोकल, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर बात करें तो रेसिप्रोकल, ये जो मैंने साइन बनाया एरो, ये रेसिप्रोकल क्यों समझ के बनाया है, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है इम्प्लाइज दैट, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया है, मैंने बनाया कि एक दूसरे से रिलेटेड है ऐसे टाइप से। फिर देखिए ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पुलटे हैं और फिर ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे पुलटे हैं, तो ये उल्टा पुलटा इनका रिलेशन है कि एक दूसरे का उल्टा करें तो ये मिल जाएगा। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलाज की कोई सीमा नहीं है, मतलब फॉर्मूलाज का कोई अंत नहीं है, आप जितना फॉर्मूला चाहें बना लें, जितना फॉर्मूला आप चाहें डिराइव कर लें। तो एक फॉर्मूला तो हम यहीं से ला सकते हैं, हम इसे बाद में लिख भी लेंगे, कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही बात है। पर यह फॉर्मूला हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉसेक थीटा तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा, और ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। मैंने एक बात को तीन तरीके से लिखा और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान दे पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कोई एक तरीका हमारे काम आ जाएगा और हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा। तो आपको बातें भी याद रखनी है और तरीके भी याद रखने हैं, और याद नहीं रखनी है, इसे समझ के रखना है, इसे इतना समझ लेना है कि जब आपको लगे, जब आपको, जब आपके इस्तेमाल का वक्त आए तो आप बड़ी आराम से इसका इस्तेमाल कर पाएं। तो देखिए फॉर्मूला बना, तीन फॉर्मूला बना, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। सोचिए हम तीन यहाँ से भी तो बना सकते हैं, बोलने की क्या जरूरत है, और तीन यहाँ भी बना सकते हैं, है कि नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, और ये तीनों में कोई एक है जो हमेशा काम आने वाला है। तो हमें ये पता चल गया कि हम साइन जिस समय जाने ये ऑटोमेटिकली हम जान गए, ये जिस समय जाने, कॉस जिस समय हमें पता चला उस समय हम सेक भी जान गए, और टेन पता चला तो कॉट। तो सोचिए अगर मैं ये तीनों जान लूँ तो ये तीनों तो ऑटोमेटिकली जान लूँगा ना, तो ये तीन पर पता है तो ये तीनों भी पता है, यानी छः रेशियो से हम सीधा तीन रेशियो पे आ गए, छः में से तीन पता तो अगला तीन हम बता देंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो एक ही काफ़ी है, वो बाद की बात है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पहले से दिया हुआ है कि जो सेक थीटा है, ठीक है, जो सेक थीटा है वो है 17 बाई 8। अब हमें ये निकालना है कि बाकी रेशियोस क्या होंगे, हमें तो केवल सेक दिया हुआ है ना, बाकी तो हमें नहीं पता, ठीक है, बाकी तो हमें नहीं पता, तो सेक हमें पता है और बाकी रेशियोस निकालनी है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें हम कुछ नाम दे देंगे, ए बी सी, थीटा बोला है थीटा हम लिख देंगे, ज़्यादातर मैं यहाँ लिखा करूँगा पुरानी आदतों के चलते, ठीक है, तो ये थीटा हम यहाँ लिख देंगे। और सोचिए सेक आपको दिया हुआ है, सेक होता क्या है, सेक होता है एच बाई बी, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमें एच बाई बी दिया हुआ है, ठीक है, एच को मान सकते हैं कि 17 है और बी को मान सकते हैं कि 8। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा, पर मैं इनकम्प्लीट बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट इसे आगे कर दूंगा, मैं आज आपको फालतू के कॉम्प्लिकेशन से बचा लेना चाहता हूँ, इसीलिए इनकम्प्लीट बता रहा हूँ, ये कंप्लीट मैं आगे जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो एच को मैं लिखूंगा 17 और बी को मैं लिखूंगा 8, तो जाहिर सी बात है ये जो एच 17 हो गया, तो एच तो ये है, ये हो गया 17 और बी जो है वो हो गया 8, तो इसका बी कौन है, ये ए बी है कि बी सी है, इस एंगल का बेस कौन है, ए बी की बी सी, तो जाहिर सी बात है जिस पे टिका हुआ था, बेस का मतलब ही होता है जिस पे टिका हुआ है, ये एंगल इस पे टिका हुआ है, इस पे कोई मतलब ही नहीं है इसको, तो ये हो गया बेस जो कि है 8। अब 17 का स्क्वायर, टफ कैलकुलेशंस, 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 माइनस 64, ये सब आप मन में ही करें, नहीं भी अगर आप जानते हैं तो आप मन में करें, धीरे धीरे आप उस काबिल हो जाएंगे कि आप मन में करने लग जाएंगे, वरना इन सब बातों में बहुत ज़्यादा परेशान रहने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। 289 माइनस 64, 225, और उसका जब आप रूट लेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 15, वो हो जाएगा 15, ठीक है। अब हमें तीनों साइड्स पता चल गए, तो हम साइन निकालते हैं, मैं यहीं रहने दे रहा हूँ,
तो साइन ये मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से अगर ख़त्म कर लूँ तो साइन थीटा, तो साइन होता है पी बाई एच, पी कहाँ है, पी कहाँ है, पी कहाँ है, यहाँ है और एच यहाँ है, तो ये हो गया 15/17, साइन थीटा होगा 15/17 इस ट्रायंगल के लिए। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस होता है बी बाई एच, चलिए मैं अलग ही लिखता हूँ, कॉस थीटा, कॉस होता है बी बाई एच, तो बी हो गया 8 और एच हो गया 17, तो 8/17। अगर मैं लिखूं टेन थीटा, अगर मैं लिखूं टेन थीटा तो क्या होता है, तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो हो जाएगा पी हो गया 15 और 8, तो 15/8। और इस तरह से आप बाकी सारा रेशियो निकाल सकते हैं, इसे आगे करना पूरी तरह टाइम पास है, आप आगे इसे ज़रूर बना लें और जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो भी आप बना लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ध्यान रखें, इतना सिंपल सॉल्यूशंस करना हमारे जीवन का हिस्सा सिर्फ इसलिए है जिस समय आपको ये छह रेशियो बहुत अच्छे से याद हो जाए, कॉन्फिडेंटली याद हो जाए, क्लियरली याद हो जाए, आपको लगे कि नहीं अब मैं, मुझसे कोई कभी पूछे तो मैं बता सकता हूँ, और किसी को फिर पूछने आप बोल दें, क्योंकि आपको लगना अलग बात है, वो सही में होना अलग बात है, तो फिर आप किसी से पूछवा लें और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो आप इस क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चंस को बनाना छोड़ दें, क्योंकि उतनी ही ज़रूरत है इसे कि आपको ये रेशियोस याद हो जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि अगर सेक थीटा का वैल्यू 5/4 है, अगर सेक थीटा का वैल्यू 5/4 है तो आपको निकालना है 2 cos theta minus sin theta divided by cot theta minus tan theta, cot theta minus tan theta। इससे पहले हम ऐसा क्वेश्चंस देख चुके हैं जहां पे हमें एक रेशियो दिया रहता था और बाकी रेशियोस निकालने के लिए कहा जाता था, और हमने बड़ी आराम से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, हमने देखा कि क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाला, सारा रेशियोस निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान है, क्यों, इसलिए क्योंकि सेक, अगर आपको मैं बोलता कि बाकी रेशियोस निकालिए तो आपको 5 रेशियोस निकालने पड़ते, लेकिन देखिए यहाँ आपको कॉस, साइन, कॉट और टैन ही निकालना है, कॉसिक से आपको छुटकारा मिल गया। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं, पर हम लोग साइकोलॉजिकली इतने डरे हुए होते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखा हम लोग अकबका जाते हैं कि अरे भाई ये कैसे होगा, ये ज़्यादा आसान है, पिछला वाला ज़्यादा मुश्किल है, कि उसमें आपको 5 बार कैलकुलेशन करना था, इसमें बस आपको 4 बार करना है, और वो भी मैं आपको कुछ दिनों में सिखाऊंगा कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करना है, मन में बन सकता है सारा सवाल। चलिए ठीक, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि ट्रिगो में जो भी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हमने बनाया, हमने नाम दे दिया, मान लीजिए इस बार थोड़ा खतरनाक नाम देते हैं XYZ, और सेक थीटा 5/4 है, तो सेक का मतलब क्या होता है, h/b, तो h/b कर देते हैं हम लोग बराबर, ठीक है, तो ये h हो गया 5, b हो गया, अगर हम थीटा मान लें यहाँ पर, थीटा आप वहाँ भी मान सकते हैं, आज़ाद है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा, तो ये थीटा हो गया 4, ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 25-16, 5 बोल के 25 कैसे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप कैसे बोल रहे हैं, 25-16 9, और ये हो जाएगा 3। हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग 8 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पढ़ चुके हैं, तो 3, 4, 5, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते जाते हैं, 2 × cos θ, cos होता है b/h, तो b/h 4/5 माइनस साइन थीटा, साइन होता है p/h -3/5 बाई कॉट थीटा, कॉट होता है b/p 4/3 माइनस टेन थीटा, टेन को उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, तो 4/3 ला चुके तो 3/4, और नहीं तो p/b 3/4 3/4। अब ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, 8/5 - 3/5 5/5 यानी कि 1, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 8/5 - 3/5 डिवाइडेड बाय, नीचे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, नीचे अगर मैं एलसीएम लूँ तो हो जाएगा 12, तो ये 4 कितना हो गया 16 - 3, ठीक है, तो ऊपर 9, तो ये आंसर आएगा ऊपर में
5/5 बाई 7/12, तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 12/7, यानी sec थीटा अगर 5/4 है और इसका वैल्यू मुझे निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा 12/7। ये सारी बातें हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दे दी जाएंगी, उसे भी आपको बनाना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चंस हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें ये रेशियो धड़ल्ले से याद हो जाए, बहुत अच्छे से याद हो जाए, कि कोई हमें पूछे तो हमें याद रहे, हम आराम से उसे बता सकें। तो चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाई को और आसान बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ टेन थीटा, तो इस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ टेन थीटा, तो इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वाई बी। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं पी वाई बी, मैंने, और चलिए कॉट थीटा भी लिख देते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं बी बाई पी। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों एच से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर क्या आता है, पी बाई एच। कोई पूछेगा क्यों डिवाइड करें, मैंने शुरू में ही कह दिया ट्रिग्नोमेट्री खेल है, आप कुछ कुछ करके देखते रहे, आप सीखते चले जाएंगे। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, और बी बाई एच क्या हो गया, कॉस थीटा। तो टेन थीटा को हम और भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह अगर हम कॉट की बात करें तो बी बाई एच आप समझ गए होंगे, कॉस थीटा, नीचे पी बाई एच, ऐसे भी उल्टा होता है तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आप एकदम स्टार मार्क याद रखें कि टेन थीटा अगर हम जानना चाहते हैं तो होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम कभी भी अगर हमें साइन और कॉस पता हो और हम उन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो हमें ऑटोमेटिकली टेन मिल जाएगा, और कॉस और साइन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली कॉट मिल जाएगा। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब बातों से हम प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा आसान करने वाले हैं आगे चल के, जब हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे होंगे। तो ये सब बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। अब देखिए हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो गया, हम साइन जानते हैं, हम कॉसेक जानते हैं, हम कॉस जानते हैं तो हम सेक भी जानते हैं, और हम साइन और कॉस जानते हैं तो डिवाइड करके टेन जानते हैं और उल्टा करके कॉट जानते हैं। तो पहले हम तीन जानते थे और सब जानते थे, अब हम दो ही जानते हैं और सब जानते हैं। हम साइन और कॉस अगर जानते हैं तो हम आराम से टेन निकाल ले सकते हैं, उसका उल्टा करके कॉट निकाल ले सकते हैं, कॉस का उल्टा करके सेक निकाल ले सकते हैं, और साइन का उल्टा करके कॉसेक निकाल ले सकते हैं। तो साइन और कॉस को हम ट्रिगोनोमेट्री का अल्टीमेट बॉस कह सकते हैं। अगर ये दोनों आ गया ना तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। साइन और कॉस अगर हमें पता चल गया तो बाकी सब अपने आप पता चल जाएगा। और साइन और कॉस ये हमारे क्वेश्चंस को आसानी से करने में, और कभी हमारे दिमाग में आया नहीं थी क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है या हमसे आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम हमेशा वहाँ साइन और कॉस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस अपने आप में सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। वैसे तो हम किसी भी दो को पढ़ लें तो बाकी सारा चीज़ समेटा हुआ है, पर साइन और कॉस इस मामले में कुछ ज़्यादा ही खास है और कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस को और हमारे सॉल्यूशंस को सिंपल करता है, तो हम इसका बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ कुछ बातें और हैं जो हम कर लेते हैं आज, है ना, हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे इस पर और भी बात करेंगे। आपने देखा कि हमने जब शुरुआत करा तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला तो अपने आप आता ही है, पाइथागोरस थ्योरम, एक थ्योरम तो आता ही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पर हम ट्रिगो में उसे ऐसे थोड़ी लिखेंगे, तो हम ट्रिगो में कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को तीन बार लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पर यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एक बार और लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम एक बार और लिख लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। उसके बाद हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, लोग पूछ सकते हैं क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पढ़ाई है, डिवाइड नहीं करेंगे तो रेशियो कैसे आएगा, तो एच स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे।
हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, तो ये एच स्क्वायर कट गया। पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा होता है, पर हम वहाँ स्क्वायर रख रहे हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। प्लस बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा होता है, पर वहाँ बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इजिकल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वंस अगेन ए स्टार मार्क फॉर्मूला, ये आपको बहुत तरीकों से काम आएगा और बहुत जगह काम आएगा। जहाँ भी हमें आसान रास्ता चुनना होगा वहाँ हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। इनफैक्ट हम बस इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, अगर मैं इस बार एच स्क्वायर से डिवाइड ना करके अगर मैं इस बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ठीक है, कर देते हैं। तो बी स्क्वायर और फिर से बी स्क्वायर, कई कई चीज़ों को आपको आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि दिखाई ही दे या देखें ही, ठीक है। बी स्क्वायर पी बाई बी, बी स्क्वायर कट गया, 1 लिख देते हैं। पी बाई बी टेन, पर वहाँ पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी यानी सेक स्क्वायर थीटा। ये फिर से फॉर्मूला, पर ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसे उतना इस्तेमाल नहीं करने वाले, हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसे कभी कभी हम इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, कभी कभी हम इसे देख लेंगे, कभी कभी इसका यूज़ हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, मतलब ज़्यादातर ये इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करने वाले क्योंकि हम इसी से काम चलाएंगे अपना सारा। और देखिए, इस बार आप गेस कर सकते हैं कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। मैंने शुरू में एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करने वाला हूँ, कर देते हैं। तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, बचा 1 प्लस बी बाई पी, बी बाई पी होता है कॉट, तो गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी होता है कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फिर से एक फॉर्मूला आया और ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना वो है। अगर हम वो जानते हैं तो हम इसे जब मन तब ले आएंगे, हम ऐसा करके देखेंगे आगे भी। तो आपको ये सारी बातें अभी जो हमने पढ़ी बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इसे याद रखने का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम चीज़ों से इतनी बार गुजरेंगे, हम चीज़ों को इतना इस्तेमाल करेंगे, हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये चीज़ें हमें अपने आप याद हो जाएंगी, हमारा हिस्सा हो जाएंगी। हमें इन्हें याद रखने पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ कुछ ज़रूरी बातें हैं ये जो हमेशा काम आने वाली हैं, तो हमेशा काम आने वाली चीज़ों पर याद रखने का अगर हम टेंशन लेते हैं तो वो एक मूर्खता ही माना जाएगा, क्योंकि ये जो हमेशा काम आने वाला है तो हमें याद रहेगा ही रहेगा। तो टेन थीटा साइन और कॉस को डिवाइड करके भी लाया जा सकता है, कॉट थीटा कॉस और साइन को डिवाइड करके भी लाया जा सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जोड़ने पे हमेशा 1 होता है। आप अगर इसका मतलब समझना चाह रहे हो तो मैं आपको कह दूँ कि आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा निकालिए उसका स्क्वायर करिए, कॉस थीटा निकालिए उसका स्क्वायर करिए, और आप जब भी इन दोनों को जोड़ेंगे गारंटीड हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 ना आए, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 के अलावा कोई नंबर आ जाए। साइन स्क्वायर को जोड़िए, कॉस स्क्वायर को जोड़िए और ये हमेशा 1 होएगा। और ये जो तीनों हमने लिखा है ये कोई फॉर्मूला नहीं कह सकते हैं आप, ये पाइथागोरस थ्योरम है इन ट्रिगोनोमेट्री स्टाइल, ट्रिगोनोमेट्री के स्टाइल में ये पाइथागोरस थ्योरम्स लिखे हुए हैं और हम तीनों पाइथागोरस थ्योरम्स हैं, हम किसी एक से काम चला लेंगे, हम इससे काम चलाने वाले हैं क्योंकि यही छयो रेशियो का अल्टीमेट बॉस है, इसीलिए हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए यहीं से इन सब बातों को दोबारा डिराइव करके कल हम शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात अगले दिन।